हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एनसिस का एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, कैंटिलीवर बीम का। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल के थ्रू। ठीक है, ये हम यहाँ से देखिए स्टैटिक स्ट्रक्चरल। ठीक है, इसके थ्रू मैं एक कैंटिलीवर बीम की प्रॉब्लम, इसमें डिफॉर्मेशन वगैरह चेक करूंगा। देखिएगा हम कैसे करते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है एनसिस पे, तो आपको बताते हैं। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे डबल क्लिक किया हमने। ठीक है, ओपन हो रहा है, ओपन होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। अब देख रहे हैं ये ओपन हो चुका है आपका। ठीक है, वर्क इस पे, यहाँ स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे चलते हैं। इंजीनियरिंग डाटा, इंजीनियरिंग डाटा में क्या होता है कि इसमें मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो भी मटेरियल हमने सिलेक्ट करना होता है, यहाँ से इंजीनियरिंग डाटा से मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टील है इसमें, तो अच्छा है। ठीक है, यहाँ से हमने ओके कर दिया। दूसरा, हम यूनिट चेंज कर लेते हैं, यूनिट में मैट्रिक। ठीक है, इसमें मैट्रिक में ही हम टन एमएम में कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होता है, हम यूनिट, ओ ज्योमेट्री में हम अपना ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, जो मॉडल होता है मेरा वो बनाना पड़ता है। उसके बाद मॉडल में जाते हैं, मॉडल में हम मेश क्रिएट करते हैं, पार्ट्स को छोटे छोटे, तो उसमें पार्ट्स में करते हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद सेटअप में, सेटअप में हम इसमें क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं और फिक्स सपोर्ट देना होता है, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, स्ट्रेस चाहिए होती है। ठीक है, डिफॉर्मेशन चाहिए होता है, वो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, रिजल्ट में हमें रिजल्ट फाइंड आउट होता है। तो चलते हैं, हम दिखाते हैं ना ज्योमेट्री हमारे। अब ज्योमेट्री में चलते हैं, राइट क्लिक हमने किया। ठीक है, राइट क्लिक करने पे न्यू डिजाइन मॉडलर, इस पर हमने क्लिक किया। ठीक है, न्यू डिजाइन मॉडलर हमारा ओपन हो गया। हम यहाँ ज्योमेट्री बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। एक्स वाई प्लेन लिया सिंपल सा हमने, फिर इसको फ्रंट कर दिया। उसके बाद स्केचिंग में कर चलते हैं। स्केचिंग में मैं एक स्केच ले लेता हूँ रेक्टेंगल के थ्रू। ठीक है, कैंटिलीवर बीम बना रहा हूँ, यहाँ से हमने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसमें हम एमएम कर लेते हैं, यहाँ से भी यूनिट चेंज करके। ठीक है, आप देख सकते हैं एमएम में हमने एक ड्राइंग बना ली यहाँ, और इस तरह से। अब इसका डायमेंशन हम देख लेते हैं। डायमेंशन पे हम चलते हैं इसके बाद। ठीक है, डायमेंशन पे जनरल पे क्लिक किया हमने, ये जनरल ले लिया यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, एच और बी, एच वन और बी टू की हम वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, एच वन की वैल्यू हम 50 ले लेते हैं, 50 mm रखेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ हमने एच वन और इसकी वैल्यू रख दी, फिर जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, जनरेट कर लिया हमने यहाँ से। जनरेट करने के बाद क्या करेंगे कि हम आगे नेक्स्ट क्या यूज करते हैं, यहाँ से आप देखिएगा फिर से जनरेट हो गया। हम वापस चलते हैं प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट पे नहीं चलते, एक शूट कर लेते हैं। एक शूट हमने किया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, कितने करना है यहाँ, इसमें डेप्थ हमने 250 रख दिया, 250 इंटर किया। ठीक है, 250 mm का कर दिया। अब हम ऑब्जेक्ट पे इसे क्लिक करके जनरेट कर देते हैं। ये हमारा, यहाँ से अब हम देखेंगे ये हमारा बीम दिखने लगे ये। ठीक है, बीम आपको दिखने लगी। अब इस पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा, जनरेट कर दिया हमने। अच्छा, ठीक है, इसको वापस चलते हैं। ये मेरा ज्योमेट्री भी देखिए टिक हो गया। जितने टिक होते जाएंगे वो हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते जाएंगे, एक एक स्टेप। ठीक है, अब मॉडल में चलते हैं। मॉडल पे हमने क्लिक किया, डबल क्लिक किया।
मॉडल पे हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने पे देखिए ये मॉडल आपका ओपन हो जाएगा अभी, ठीक है, जो हमने ड्राइंग्स बनाई है यहाँ ओपन हो जाएगी मॉडल पे क्लिक करने पे, ठीक है। इसमें मेस का भी अपने जो भी हम मेस हम जनरेट करेंगे अभी यहाँ ये मेस पे हमने यहाँ क्लिक किया, अप्लाई अपडेट कर देते हैं या जनरेट मेस कर दिया हमने, मेस अब जनरेट हो रहा है, ठीक है। मेस क्या होता है दोस्तों, ये छोटे छोटे पार्ट्स में ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एनालिसिस के लिए। ये जितने पार्ट्स छोटे होंगे उतनी अच्छी हमें उसमें एनालिसिस में इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितने छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, ठीक है, पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हमने मेस जनरेट कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम सेटअप पे चलते हैं, यहाँ से हम डबल क्लिक किए सेटअप पे, ठीक है। सेटअप पे देखिएगा ये लोड है सपोर्ट है, हम सपोर्ट दे देते हैं। एक साइड में कैंटिलीवर बीम है तो हम फिक्स सपोर्ट दे देते हैं, क्लिक किया हमने, यहाँ हमने क्लिक कर दिया ये वाला, अप्लाई कर देते हैं ये वाला फेस पे फिक्स सपोर्ट, ठीक है। दूसरा लोड हम देते हैं, लोड हमने दे दिया, कहाँ है लोड, फोर्स देते हैं इस पे, इस कॉर्नर पे दे देते हैं, यहाँ से क्लिक किया हमने, कितना 500 न्यूटन का, ठीक है। क्लिक किया डायरेक्शन के लिए, ये रेड वाला डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, हमने ये इस साइड कर दिया तो डायरेक्शन ऊपर से लगेगा, है ना, तो अप्लाई कर दिया हमने, अप्लाई हो गया इस पे, यहाँ अप्लाई हो गया ये। अब ये अप्लाई होने के बाद हम फिर से चलते हैं प्रोजेक्ट पे, यहाँ आइए, ठीक है। प्रोजेक्ट अपडेट अपडेट कर दिया हमने इसको, अभी ये टिक हो जाएगा अपडेट करने पे, ये भी टिक हो गया, सेटअप भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक हमने कर दिया सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन पे क्लिक करने पे देखिएगा ये आपकी फाइल ओपन हो गई, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस, एनर्जी, डैमेज, ये सारे हमारे इस तरह के ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, टोटल और डायरेक्शनल, ठीक है। जैसे हम टोटल पे क्लिक कर लिया, देखिए ये मेरा यहाँ बन जा रहा है डिफॉर्मेशन का, ठीक है। स्ट्रेस पे हमने क्लिक किया, स्ट्रेस वन मिसेस थ्योरी के थ्रू इक्विवेलेंट, इससे स्ट्रेस हम और मैक्सिमम प्रिंसिपल मिडल यहाँ से ये सब चीज़ें, तो एक हम ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डैमेज ये अभी इसमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है। एनर्जी में स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, यहाँ से ये मैक्सिमम प्रिंसिपल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने सिर्फ दो, अभी दो सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो दो अप्लाई करते हैं इसमें, हमने इवेल्यूएट ऑल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये इवेल्यूएट कर दिया, देखिए ये टिक हो गया इस पर। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपका जो डिफॉर्मेशन मिनिमम कहाँ है, मिनिमम डिफॉर्मेशन यहाँ, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम कहाँ है, रेड वाला पॉइंट, यहाँ मैक्सिमम आपका डिफॉर्मेशन हुआ है। आप ऐसे एनिमेशन व्यू में देख सकते हो कैसे यहाँ से कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, डिफॉर्म हो रहा है यहाँ से लोड लगने पे, आप देख सकते हो इजली, ठीक है। इसे इसे हमने ऑफ कर दिया। इक्विवेलेंट स्ट्रेस, स्ट्रेस देखिएगा, स्ट्रेस एनिमेशन व्यू में स्ट्रेस कहाँ सबसे ज़्यादा है, ये वाला हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे मेरा स्ट्रेस लग रहा है। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे ही ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा इस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।